हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। वेल गाइस, इस वीडियो में जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ओनली द लास्ट वर्ड ऑफ दैट स्ट्रिंग। मतलब अगर इनपुट में आया हेलो हाउ आर यू, तो इसकी जो आउटपुट होनी चाहिए वो यू होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। एक इनपुट करवाओ किसी इंसान का पूरा नाम और उसका जो लास्ट पार्ट ऑफ दैट नेम, उसका जो कास्ट है उसे या जो उसका सरनेम है उसे आप डिस्प्ले करवाओ। फॉर एग्जाम्पल, महेंद्र सिंह धोनी, तो इसमें हमें सरनेम क्या प्रिंट करवाना है, धोनी प्रिंट हो जाना चाहिए आउटपुट में। सचिन रमेश तेंदुलकर, इसमें जो आउटपुट आनी चाहिए वो तेंदुलकर आ जाना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। लॉजिक बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें स्पेस को देखना है। हम क्या करेंगे, स्पेस का लास्ट इंडेक्स सबसे पहले सर्च करेंगे। जैसे ही मुझे लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस मिल जाएगा, उसके जस्ट अगले कैरेक्टर से, मतलब उसका जस्ट अगला कैरेक्टर टी है, वहां से लेके मैं सबस्ट्रिंग प्रिंट करवा दूंगा और वो मेरा आउटपुट बन जाएगा। ये देखो, लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड से, नेक्स्ट कैरेक्टर से सबस्ट्रिंग करवा दूं, तो उससे मेरी धोनी आउटपुट आ जाएगी। प्रोग्राम देखते हैं। इंपोर्ट किया यूटिल पैकेज को, क्लास बनाई, मेन मेथड बनाया, अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर ओबीजे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैंने बोला एंटर एनी स्ट्रिंग, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लिया, ए वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, एंड ओबीजे के थ्रू हमने नेक्स्ट लाइन के को फंक्शन को यूज करते हुए इनपुट ले लिया। और ध्यान रखना टी स्मॉल एल कैपिटल। उसके बाद इंट एलियन एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने ए जो स्ट्रिंग इनपुट करवाई है उसकी लेंथ स्टोर की है। उसके बाद क्या किया, इंट बी इज इक्वल टू ए डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, देखो लास्ट के बाद आई कैपिटल, इंडेक्स के बाद ओ कैपिटल। ये एक रूल होता है, जब भी हम फंक्शंस को नेम करते हैं तो अगर उस फंक्शन में कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे लास्ट एक अलग वर्ड है, इंडेक्स एक अलग है, ऑफ एक अलग वर्ड है, तो इसमें आई कैपिटल और ओ कैपिटल आता है। ये एक रूल होता है, राइट। उसके बाद क्या करूंगा, स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू ए डॉट सब स्ट्रिंग बी प्लस वन। अगर मान लेते हैं ये जो था 6, 6, 12, 13, ये जो आपका इंडेक्स था ये 13th इंडेक्स है, राइट। ये जो स्पेस है ये आपकी 13th इंडेक्स है, तो मैं क्या करूंगा 14th इंडेक्स से सब स्ट्रिंग चला दूंगा। तो 14th इंडेक्स क्या है, टी है, बस मेरा तेंदुलकर जो है वो डी में मेरा प्रिंट हो जाएगा, एंड यहां पर जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन है मैं डी को प्रिंट करवा दूंगा। तो इससे जो मेरा सरनेम है वो डिस्प्ले कैलो हो जाएगा, या फिर जो मैंने स्ट्रिंग इनपुट करवाई थी उसका लास्ट वर्ड मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये इतने इतने ही इजी लॉजिक्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं स्ट्रिंग्स के। अगर आप पिछली वीडियोस मेरी देखते आ रहे हो तो इस वीडियो में आके तो आप खुद ब खुद अपना जो लॉजिक है वो डेवलप करना स्टार्ट कर चुके होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो स्ट्रिंग्स का या पैटर्न्स का, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। थैंक यू सो मच।